हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सालों के किचन में। आज हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है, 1 कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली को हमने भून लिया है। यहाँ पे हमने आधी कटोरी चीनी ली है। यहाँ पे हमने 5-6 बादाम को काट लिया है। इलायची पाउडर लिया है। मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए पहले हम मूंगफली को हल्का दरदरा पीस लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। यहाँ पे हमने मूंगफली को पीस लिया है। देख सकते हैं आप लोग, मूंगफली को हमने इतना दरदरा पीसा है। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो मूंगफली में से तेल निकलने लगता है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। पहले यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए हमारा मिश्रण बन गया अच्छे तरीके से। अब इसे हम छोटा बड़ा आपको जैसे लड्डू बनाना हो इस तरीके का आकार देके हम इस तरह से लड्डू बना देंगे। और यहाँ पे जो हमने काजू, यहाँ पे जो हमने बादाम लिए हैं, बादाम को इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से बादाम को हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा लगा के लड्डू बना के रख देंगे। इस तरीके से लड्डू आपको जैसे छोटा बड़ा जैसे बनाना हो आप वैसे बनाइए, छोटा चाहे बड़ा। मूंगफली के लड्डू को हम व्रत में भी खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत जल्दी से बन जाता है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। यहाँ पे हमारे मूंगफली के लड्डू बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसे बनाइए, खाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए और हाँ कमेंट भी करिए।